काशी में आयोजित परम धर्म संसद 1008 के खत्म होने के बाद आज परम धर्मादेश जारी किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने संसद में आए 43 प्रस्तावों में से दो मुख्य प्रस्ताव राम मंदिर निर्माण और विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत जोड़े जा रहे मंदिर को लेकर परम धर्मादेश जारी किया। मंदिरों को तोड़ने वाले अयोध्या में मंदिर निर्माण करने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं, यह प्रश्न भी उन्होंने उठाया है। अतः परम आराध्य धर्मादेश जी का इस परम धर्मादेश के माध्यम से यह अभिमत है कि राम मंदिर का निर्माण चारों शंकराचार्यों, रामानंदाचार्यों, रामानुजाचार्यों, मध्वाचार्यों, निर्मार्काचार्यों, 13 अखाड़ों के प्रमुखों और इसी तरह के मूर्धन्य धर्माचार्यों के पर्यवेक्षण में कराया जाना चाहिए, न कि किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक संस्था के द्वारा। ऐसी स्थिति में यह परम धर्मादेश जारी कर दिया गया है ताकि संविधान में संशोधन के माध्यम से न्यायालय में त्वरित सुनवाई हो जाए और फैसला 1 महीने के भीतर, 4 सप्ताह के भीतर आ जाए, जिससे कि लोक भावना के अनुरूप राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके।